जैश की बड़ी साजिश नाकाम। आजादी के जश्न से पहले घाटी को दहलाने का था प्लान। अयोध्या समेत कई शहर थे निशाने पर, चार आतंकी गिरफ्तार। अफगानिस्तान, राष्ट्रपति अशरफ गनी बोले जाया नहीं होने देंगे 20 साल की उपलब्धि। तालिबान के हमले के बीच राय मशविरा जारी। रेप पीड़ित बच्ची के परिवार का सहमति पत्र सौंपने के बाद राहुल गांधी का अकाउंट हुआ बहाल, ट्विटर ने लिया फैसला। देश भर के 1380 पुलिस कर्मियों को वीरता और सेवा पदक, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस को 275 मेडल। नीरज चोपड़ा को दो दिन से बुखार, टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले भारत के जैवलिन थ्रोअर को 103 डिग्री फीवर, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। विजय माल्या का किंग फिशर हाउस 52 करोड़ रुपए में बिका, 8 बार फेल हो चुकी थी प्रॉपर्टी की नीलामी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की राजनीति में एंट्री, सीएम योगी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी का तंज, नौकरी में एक भी अच्छा काम नहीं किया, अब चर्चा में रहना चाहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।